जयपुर में ब्राह्मण समाज राजस्थान की ओर से भव्य रूप से मनाई गई परशुराम जयंती। 101 दीपक जलाकर परशुराम भगवान की गई आरती। जयपुर में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दी उनके जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामना। स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना। दौसा जिले में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। जिला कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी ने भी नमाज की अदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम हुआ स्थगित। ये नीलामी आगामी 5 मई को है प्रस्तावित। बागी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष टी रविकांत ने सौर ऊर्जा परियोजना का किया निरीक्षण दौरा। अधिकारियों के साथ परियोजना के तकनीकी पहलुओं और समस्याओं पर की गई चर्चा। जयपुर में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 3 दिवसीय जननायक खेल उत्सव की गई शुरुआत। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा, मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के हित में लिए हैं ऐतिहासिक निर्णय। बूंदी में ईदगाह मैदान में शहर काजी गुलाम घोष ने ईद की नमाज कराई अदा। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और पुलिस अधीक्षक जय यादव सहित अधिकारियों ने सभी लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद भीलवाड़ा में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए घोषित किया कार्यक्रम। आदर्श आचार संहिता लागू। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में 4 मई से चलाए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई आयोजित। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कल 14 वार्डों में लगेंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर। विभिन्न योजनाओं में पट्टे किए जाएंगे वितरित। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पवनपुरी दक्षिण विस्तार योजना कॉलोनी विकास समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ। चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष टीम और बस्सी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 1800 किलो से अधिक डोडा चूरा और 7 किलो अफीम सहित 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। जयपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान मनोहरपुर में 9 माह पूर्व चोरी के मामले का हुआ खुलासा। सरिया चोरी मामले में 2 मुलजिम गिरफ्तार। जयपुर में खेल राज्य मंत्री अखिल भारतीय एमेच्योर शतरंज प्रतियोगिता का किया गया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए है कृत संकल्प। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी और मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की संभावना।